Guys, welcome back to my channel. This is me Jasmine. You're watching my channel, a beautiful Odisha. So guys, आज मैं आपको एक सिंपल सा मेकअप तो बिल्कुल नहीं है, सिंपल सा लुक बताने वाली हूँ जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, रेगुलर डे में करती हूँ, हर दिन करती हूँ. और ये विदाउट फाउंडेशन वाला लुक है, कुछ भी फाउंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, ना कुछ हैवी मेकअप वाला कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है. सिंपल मॉइस्चराइजर क्रीम है और सिंपल सा लिपस्टिक आईलाइनर है, उतना ही उतने में ही आपका ये लुक क्रिएट हो जाएगा. तो आगे वीडियो में देखते हैं कैसे इस लुक को करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में. और अगर मेरे चैनल में आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा के घंटी वाला जो एक है छोटू वाला उसको जब घंटी बजा देंगे तो घंटी वाला जो आइकन है आप बजा देंगे तो आप जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो गाइस, फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग. मॉइस्चराइज करने के लिए फेस के लिए मैं लोटस का SPF 25 वाला वाइटनिंग ब्राइटनिंग ग्लो फेस क्रीम ले रही हूँ. ऐसे आपको फेस पे लगाना है डॉट डॉट करके, उसके बाद आपको इसको सर्कुलर मोशन में फेस में मॉइस्चराइज करके सर्कुलर मोशन में ऐसे लगाना है फेस में, जैसे कि स्किन के अंदर भीम जाए और आपको एक अच्छा सा ग्लो दे. ये इंस्टेंट ग्लो फेस क्रीम है, मेरे को जैसे पता है क्योंकि मैं इसको 3-4 साल हो गए लगा रही हूँ और ये मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता है. आप किसी भी मॉइस्चराइजर क्रीम ले सकते हैं अगर आपको जो भी सूट करता है. अगर खाली आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रहे हो उसमें SPF नहीं है तो आप एक सनस्क्रीन भी उसके ऊपर लगा सकते हो. बाकी इसमें SPF है तो मैं कोई सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ. हमारा मॉइस्चराइजर तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे. इसमें ऑलरेडी SPF 25 कंटेन करता है तो आई एम नॉट अप्लाइंग एनी सनस्क्रीन क्रीम. सो उसके बाद कुछ नहीं, जस्ट मैं क्या करूँगी, जस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा लगाऊंगी और उतना ही मेरा मेकअप है और कुछ नहीं, जो कि मेरा डेली मेकअप है, डेली वेयर मेकअप. जो क्रीम है उसको थोड़ा सेट करने के लिए मैं खाली यूज करूँगी और तो मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दी हूँ आपको जितने फेस और नेक एरिया में इसको पाउडर को अप्लाई कर दी. उसके बाद मस्करा लगा दे रही हूँ आईज के. मस्करा है जो उड़ा ब्यूटी का है, आप देख सकते हो उड़ा ब्यूटी का मस्करा थोड़ा लगाऊंगी. ये ऑप्शनल है हाइलाइटर पैलेट से, मैं थोड़ा हाईलाइट अपने नोज एरिया को हाईलाइट कर दे रही हूँ. इसको आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. उसके बाद मैं ले रही हूँ एक लिप लाइनर जो कि ADS का लिप लाइनर है, जिसका शेड ब्राउन कलर कुछ का है. तो इसको मैं फर्स्ट फील कर दे रही हूँ अपने लिप्स के आउट कॉर्नर में, ऐसे आपको फील करना है. उसके बाद आपको लिपस्टिक लगाना है. लिपस्टिक के लिए मैं NY का ये शेड नंबर क्या है 22 ले रही हूँ, शेड नंबर 22. आईलाइनर आपको अच्छी तरीके से लगाना है, छोटे छोटे विंग्स करने हैं एंड यू आर ऑल सेट टू गो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़.